हेलो दोस्तों, केपीटी कंपनी का 13 mm ड्रिल मशीन ये मशीन पुट्टी मिक्सिंग के लिए यूज़ कर रहा था। इसमें रोलर बैरिंग डैमेज हो गया है, तो रोलर बैरिंग को हमें चेंज करना है। मैंने ऑर्डर दिया था, आ गया है। तो पहले हम गियरबॉक्स को ओपन कर लेते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए। गियरबॉक्स को हम ओपन कर लिए, देखिए इसमें ग्रीस सूख गया है, इसी वजह से रोलर बैरिंग डैमेज हो गया। तो रोलर बैरिंग हम चेंज करेंगे। और ये जो मशीन है बहुत ही अच्छे मशीन है, बहुत दिन तक चलती है। इसमें गियर का क्वालिटी बहुत ही अच्छे होता है, इसमें आपको रोलर बैरिंग देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छे फिटिंग होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। आपको नीचे जो रोलर बैरिंग दिखाई दे रहा है, इसमें जो बॉल है ना, वो मैंने बाहर कर लिया था, अंदर टूट गया था और बहुत ही छोटे हो गया था। इसमें जो शाफ्ट है ना, वो भी थोड़ा ख़राब कर दिया है। तो रोलर बैरिंग हम चेंज कर देंगे, एक काम चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके हम मशीन को ओपन करते हैं। देखिए ये जो रोलर बैरिंग है ना, फिटिंग करेंगे। रोलर बैरिंग का साइज है 810, तो इसमें साइज थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेंगे और इसमें तो वो थोड़ा छोटा है। तो अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करते, देखिए बहुत ही छोटे बैरिंग है, अच्छे से इसको फिट करना है। हाइड्रोलिक प्रेस में ओपन करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस में इसको फिटिंग करने की कोशिश करेंगे। अरे बड़े बैरिंग है, आर्मेचर में बड़े बैरिंग फिटिंग होते हैं, तो हमें आर्मेचर वाला जो बैरिंग है उसको ओपन करके देखेंगे, ठीक रहेगा तो हम उसको जो कंपनी वाला मशीन के साथ फिटिंग है उसको रख लेंगे। और उसमें थोड़ा प्ले रहेगा तो हम चेंज कर देंगे। कार्बन मैंने ऐसे मास्किंग से पैक करके रखा था, इसमें ओरिजिनल कार्बन डालना है, नहीं तो मार्केट में जो चालू कार्बन मिलते हैं डालने पर स्पार्किंग होते हैं। धीरे धीरे करके ये बैरिंग मैंने ओपन नहीं कर पाया था, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था, बैरिंग ओपन करने का कुछ भी टेक्निक मेरे को पता नहीं है। तो किसी को पता होता तो वीडियो शेयर कर सकते हो, मेरे को सीखना है। और इसको अच्छे से हम साफ सफाई कर लेते हैं, तो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए इसमें कैसे फिटिंग होता है, और आर्मेचर भी हम बाहर करेंगे। धीरे धीरे करके हम मशीन को ओपन करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आर्मेचर को हमें बाहर करना है, तो आर्मेचर को ऐसे हम बाहर नहीं कर पाएंगे। पीछे एक नट होता है, नट को ओपन करने के बाद उसमें बैरिंग से लॉक होता है, तो हम ऐसे पकड़ के उसको खोल नहीं पाएंगे। तो भाई से हम इसको पकड़ लेते हैं, सेफ्टी के लिए कपड़ा यूज़ करना है, नहीं तो शैफ्ट ख़राब हो सकता है। कैसे मैंने ओपन किया आपके साथ शेयर करते, वीडियो अच्छे से देखिए। देखिए स्क्रू बढ़िया से ओपन हो गया है, तो ये सही टेक्निक होता है। तो आपको सही टेक्निक अपनाना है, मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कम मत करना। बैरिंग हमें बाहर करना है, तो बैरिंग को धीरे से टक्कर मार के बाहर करना है। इसमें हम जो CM4 मार्बल कटिंग मशीन में जो स्क्रू होता है बड़े वाले, उसी से टक्कर मार के बाहर करेंगे। धीरे धीरे टक्कर मारने से बड़े से बाहर हो जाएगा। जो स्पैंडल होता है ना आर्मेचर में, उसमें थ्रेड होता है अंदर से, बहुत ही नाजुक होता है, आपको प्यार से ओपन करना है। बड़े से ओपन हो गया है।
आर्मेचर बड़े से ओपन हो गया। इसमें आपको एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, बहुत ही पतले होता है, आपको सेफ्टी से ओपन करना है और धीरे धीरे करके हमें सभी पेयरपास को ओपन करना है। देखिए बड़े से ओपन हो गया है, आपको बैरिंग के नीचे एक छोटे सॉकेट देखने को मिलते हैं, देखिए ऐसे सॉकेट होता है और इसमें ऐसे ही फिटिंग रहते हैं। बैरिंग को हम धीरे से प्रेस करके बाहर कर लेते हैं। इसमें पीछे वाला बैरिंग का साइज है 607, तो इसमें फिटिंग थोड़ा अलग होता है। धीरे धीरे करके हम साफ सफाई कर लेते हैं। बैरिंग को हमें ओपन करना है, देखिए बड़े से सफाई हो गया है। तो ये जो बैरिंग है ना, हमें इसको ओपन करना है और हाइड्रोलिक प्रेस में ओपन करने की कोशिश करेंगे। हैमर से भी हम ओपन कर सकते हैं, फिर भी हाइड्रोलिक प्रेस में ओपन करने की कोशिश करते हैं, बड़े से ओपन हो जाएगा। तो आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें आपको बूज देखने को मिलते हैं और आर्मेचर में रोलर बैरिंग देखने को मिलते हैं। गियरबॉक्स को भी अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं। ये गियरबॉक्स अच्छे से साफ सफाई हो गया। इसमें आपको एक छोटे रोलर बैरिंग देखने को मिलते हैं, दोनों रोलर बैरिंग एक ही है, दोनों रोलर बैरिंग बिल्कुल एक जैसा है। आर्मेचर में पीछे जो बैरिंग फिटिंग था वो थोड़ा डैमेज हो गया है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, रबर के अंदर फिट कर लेते हैं। रोलर बैरिंग को हमें ओपन करना है, तो थोड़ा सेफ्टी से हमें ओपन करना है, धीरे से प्रेस करना है, नहीं तो टूट सकता है। बहुत ही प्यार से हमें इसको बाहर करना है। देख के उसको धीरे से प्रेस करना है और देख लेना है कौन सा सामान से उसको प्रेस करने से बड़े से ओपन हो जाएगा। नीचे सपोर्ट भी हमें सही लगाना है, नहीं तो टूट सकता है। देखिए रोलर बैरिंग बड़े से ओपन हो गया है, नया रोलर बैरिंग हम फिटिंग कर लेते हैं। देखिए नया रोलर बैरिंग मैं ले लेता हूँ, धीरे से हम इसको प्रेस करके इसको फिटिंग कर लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में इसको बैठा के हम प्रेस नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। बड़े से प्रेस हो जाएगा तो बढ़िया फिटिंग होगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया, इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो हाथों से ही हम इसको फिटिंग करेंगे। तो देखिए बड़े से इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो इसमें सपोर्ट भी नहीं बना पा रहा है, इसमें बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें गियर से टक्कर मार के इसको फिटिंग करना है। बाहर से हम टक्कर नहीं मारेंगे, गियर में लकड़ी से धीरे धीरे करके टक्कर मार के इसको फिट कर लेते हैं। हमें देखना भी है बड़े से फिट हो रहा है,
तो बढ़िया से फिटिंग हो गया है, थोड़ा फिटिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे सपोर्ट बना के धीरे से प्रेस करके इसको फिट कर लेते हैं। से फिटिंग हो गया है, आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए बड़े से फिटिंग हो गया है, जैसे ही फिटिंग था ऐसे ही फिटिंग हो गया है। आप पुराना वाला रोलर बेयरिंग मैंने बाहर कर लिया है, देखिए तो इसमें फिटिंग कुछ अलग होता है। पीछे से आपको बूस देखने को मिलते हैं, इसमें दो अलग अलग बूस है, तो गियर में थोड़ा अलग बूस फिटिंग है और अंदर वाला बूस थोड़ा अलग होता है। पितल का बूस आपको देखने को मिलते हैं। हम इसमें इसमें जो बड़े बड़े बैरिंग है इसमें प्ले नहीं हुआ है, तो फिर भी हमें लग रहा है इसमें थोड़ा प्ले लग रहा है, फिर भी हमें चेक कर लेना है। नया जो बैरिंग है उसके साथ हम कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक रहेगा तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा तो हमें चेंज करना है, तो अच्छे से हमें चेक कर लेना है। नए रोलर बैरिंग को आर्मेचर में फिट करके चेक कर लेते हैं अंदर में जो फिटिंग है वो कितना डैमेज हुआ है, तो हमें चेक करके देखना है नहीं तो पता नहीं चलेगा। चेंज करके देखा इसमें जो रोलर बैरिंग है बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो नया रोलर बैरिंग को हम रख लेते हैं, पुराना रोलर बैरिंग को ग्रीसिंग करके फिटिंग कर लेते हैं। और इसमें एक बूस होता है, बूस में हमें ऑयल देना है, ऑयल देके हमें फिटिंग करना है। को हमें अच्छे से साफ सफाई कर लेना है, तो अच्छे से मैंने साफ कर लिया है, तो धीरे धीरे करके हम आर्मेचर फिटिंग करते हैं, पीछे वाला बैरिंग भी फिटिंग करेंगे। और पीछे वाला बैरिंग जब फिटिंग करेंगे वाइस में पकड़ के हमें टाइट करना है। आर्मेचर फिटिंग हो जाने के बाद हमें सॉकेट को बैठाना है, उसके बाद बैरिंग को बैठा के धीरे से प्रेस करके हमें उसमें जो स्क्रू फिट होता है उसको फिट कर लेना है। वाइस में पकड़ के हमें इसको टाइट करना है, हाथों में पकड़ के हम उसको रख नहीं पाएंगे। वाइस की मदद से हम आर्मेचर को पकड़ लेते हैं और कपड़ा देते हैं सेफ्टी के लिए, ऐसे करके हम आर्मेचर को टाइट कर लेते हैं। से मैंने पकड़ लिया है, आर्मेचर घूमेगा नहीं, बड़े से इसको टाइट कर लेते हैं। फिटिंग हो गया है, आर्मेचर को मूव करके देख लेते हैं, बड़े से मूव हो रहा है। अब पीछे वाला रबर थोड़ा अंदर डालना है, बड़े से फिट होगा, धीरे धीरे करके प्रेस करके बड़े से फिटिंग हो गया है, देखिए बड़े से मूव हो रहा है।
तो ये जो काम होता है मैंने दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा रियल काम है, तो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को अच्छे से काम करना है, कस्टमर को मैसेज देना है, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो ग्रीसिंग कर लेते हैं, जेल ग्रीस इसमें हम फिटिंग करेंगे। जेल ग्रीस तो ठीक नहीं है, मेरे पास ग्रीस ख़त्म हो गया है, तो इसी से हमें काम चलाना है। ये थोड़ा हीट होने पर लिक्विड हो रहा है। फिटिंग हो जाने के बाद घुमा के भी चेक कर लेना है, बड़े से मूव हो रहा है, देखिए बड़े से मूव हो रहा है, तो आपको चेक कर लेना है। और इसमें बूस होता है, उसमें हमें ऑयल डालना है, थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेते हैं। और गियर बॉक्स में हम ग्रीसिंग कर लेते हैं, अंदर रोलर बेयरिंग है उसमें हमें ग्रीसिंग करना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मैंने, गलती कर दिया, तो इसमें डालना नहीं था। जब मैंने इसको फिटिंग किया, जब मशीन को चलाया, ऑयल बाहर हो रहा था, तो जितना ऑयल मैंने डाला था उतना तो बाहर हो जाएगा, और जो रहने का है वो रह जाएगा। फिर भी हमें गलती नहीं करना है, पहली बार मैंने किया है, और इसमें जेल ग्रीस हमें यूज़ नहीं करना है। अच्छे से फिटिंग हो गया है, फिटिंग हो जाने के बाद हमें एक चीज़ चेक करना है, आर्मेचर बड़े से मूव हो रहा है, तो पीछे उंगली डाल के हमें घुमा के चेक करना है। देखिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, देखिए बड़े से मूव हो रहा है, मतलब बड़े से फिट हो गया है, फ्री घूम रहा है। कार्बन को फिटिंग करते हैं, मशीन को चलाते हैं, कार्बन इसमें थोड़ा अलग होता है, फिटिंग भी अलग होता है, थोड़ा तकलीफ देता है फिटिंग करते हुए।
कभी-कभार एक चांस में फिट हो जाता है, कभी-कभार थोड़ा टाइम लगता है। बड़े से फिट हो गया है, सीरीज में हम टेस्ट कर लेते हैं। हाँ मशीन बड़े से चल रहा है, पीछे वाला बैक कवर हम फिट कर लेते हैं।